नमस्कार साथियों, मैं भारत आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी मोड ऑन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर 100 एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट्स के बारे में। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुपर 100 लेवल 1 एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट के बारे में और सुपर 100 एनडीए की भी एक्सपेक्टेड डेट के बारे में। तो अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि सुपर 100 का जो जेई मेंस के लिए इंटरेस्ट बेस्ड एग्जाम होगा वो आपका अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए आपका वो एग्जाम होगा 20 से लेकर 25 जुलाई तक। आपका ये एग्जाम या आपकी जो क्लासेस है 20 से आप मान के चलिए 20 से 25 के बीच में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी इसकी, राइट। ये तो है जेई वालों के लिए और वो है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ऑनलाइन क्लासेस उनकी स्टार्ट हो जाएगी 20 to 25 के तक और उनका जो टेस्ट होगा इंटरेस्ट टेस्ट होगा वो होगा उनका अप्रोक्सीमेटली 5 अगस्त to 10 अगस्त के बीच बीच में इनका इंटरेस्ट एग्जाम हो सकता है। ये तो है जेई नीट वालों के लिए। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है एनडीए के लिए एक्सपेक्टेड डेट्स के बारे में। तो यार एनडीए का आपको पता होगा कि एनडीए का जो एग्जाम है वो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा और एनडीए का सिलेबस क्या है वो भी आपको बताने वाला हूं मैं। जेई के बारे में पता चल गया होगा आपको, अब देखिएगा आपको पता होना चाहिए एनडीए के लिए। एनडीए के लिए यार आपका जो इंटरेस्ट एग्जाम होगा, इसकी क्लासेस नहीं, इसका सिंपल इंटरेस्ट एग्जाम होगा वो होगा आपका अप्रोक्सीमेटली आप मान के चल सकते हैं आपका वो होगा 25 to 28 जुलाई के बीच बीच में। और इसका जो रिजल्ट है वो आने के बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी 15 अगस्त के बाद बाद में। 15 अगस्त के बाद बाद में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ये था इनकी ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल और एक्सपेक्टेड डेट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो यार सिलेबस बहुत ज्यादा कॉमेंट सेक्शन में पूछा जा रहा है सिलेबस एनडीए के लिए। एनडीए के लिए यार सिलेबस आपको दो चीजें करनी है आपको। आप कौन सी क्लास में हो, मान लीजिए आप 11th क्लास में हो या 12th क्लास में हो, राइट। तो उन बच्चों के लिए सिलेबस भी अलग अलग होगा। 11th क्लास वालों के लिए तो 10th क्लास का सिलेबस, 12th क्लास वालों के लिए 11th क्लास का सिलेबस। और सिलेबस में कौन कौन सी चीजें करनी है उनको, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन अ सिमिलर वे, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री और इन दोनों से मिला के आपको यार आपकी 10th क्लास में थी साइंस, आपको करनी है यहाँ पे साइंस, राइट। ये है सिलेबस एनडीए का। अब किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं, क्या क्वेश्चन से रिलेटेड क्या पूछा जाएगा आपको, वो यार आने वाली और वीडियोस में आपको बताया जाएगा। तो यार मेक श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो। ये है एनडीए का सिलेबस, एक एक्सपेक्टेड सिलेबस है जो कि ऑफिशियल नोटिस में नहीं लिखा हुआ बट उन्होंने जो जारी किया था उनमें लिखा हुआ था प्रीवियस ईयर सिलेबस। तो प्रीवियस ईयर यानी 11th में तो 10th का, 12th में तो 11th का सिलेबस, राइट। ये था। अब हम बात करेंगे सिलेबस फॉर जेई नीट, जेई नीट के लिए सिलेबस। अब जो बच्चे 11th क्लास में हुए हैं वही बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो उनको क्या क्या चीजें करनी है, फिजिक्स करनी है, केमिस्ट्री करनी है, बायो करनी है उनको, एंड उनका आईक्यू चेक करना है, एंड मैथ्स करनी है। सारे ये सब्जेक्ट करने हैं। और अगर वो ये तीन करता है, ये दो स्किप करता है तो यार वो मान्य नहीं होगा क्योंकि लास्ट 3 ईयर से
2018-19-20 ऐसे होता आ रहा है भाई, जिन बच्चों को जेईई नीट में एग्जाम देना है उनको ये सारे सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, सारे एग्जामों की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। बट हो सकता है कि अपनी बार ऐसे होगी जो बायोलॉजी में जाना था वो ये तीन स्ट्रीम बाकी ये स्ट्रीम, बट यार जो लास्ट थी ऐसे चल रहा है उसको हम कैसे भूल सकते हैं। तो आपको इन सभी पे फोकस करना है, वो क्लास टेंथ का सिलेबस होता है ये सारा क्लास टेंथ का। फिजिक्स की वन शॉट सीरीज चल रही है ऑलरेडी, उसमें मैंने आपको फिजिक्स का पूरा वन शॉट दे दिया है, फिर फिजिक्स में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं। केमिस्ट्री की जल्द ही वन शॉट सीरीज आएगी, मैथ्स की भी वन शॉट सीरीज आएगी, बायो की भी वन शॉट सीरीज आएगी। वन शॉट सीरीज के साथ साथ इनका पूरा जो एक्सपेक्ट फुल चैप्टर है उसकी भी सीरीज स्टार्ट हो गई है केमिस्ट्री की। एपिसोड नंबर वन तो आ गया, इसका एपिसोड नंबर टू रहा है, उसमें आपकी पूरी केमिस्ट्री पूरी हो जाएगी। फिजिक्स का एपिसोड नंबर वन आ गया है, एपिसोड टू भी आएगा और एपिसोड थ्री भी आएगा और एपिसोड फोर आएगा, चार एपिसोड में आपकी पूरी होगी। वन शॉट आपका एक आएगा, वन शॉट दोनों सभी में आएगा। बायो आपकी दो एपिसोड में कंप्लीट होगी, एपिसोड वन और एपिसोड टू, यानी कि लेक्चर दो लेक्चर में कंप्लीट होगी। और जो आपका आईक्यू है वो केवल एक एपिसोड में पूरा हो जाएगा। मैथ आपके पांच या छह लेक्चर लगेंगे, यानी कि एपिसोड वन से लेकर एपिसोड सिक्स तक आपके यहाँ पे लेक्चर लगेंगे और इसका वन शॉट आएगा जल्दी। तो मेक श्योर यार आपने ये सारी चीजें करके होगी और एनडीए का सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे। बट यार उससे पहले आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद यार, क्योंकि आपने हमें इतना ज्यादा सपोर्ट किया है कि इस मंथ में हमने 1K सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके साथ साथ यार सुपर 100 हरियाणा लेवल में हम नंबर वन, ध्यान सुनिएगा, सुपर 100 नंबर वन, जो सुपर 100 एग्जाम है उसके लिए नंबर वन मेंटर बन चुके हैं इस मंथ के, यानी कि YouTube पे सबसे ज्यादा सुपर 100 एग्जाम से रिलेटेड अपडेट देने वाला YouTube चैनल ये बन चुका है। तो यार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना ज्यादा सपोर्ट किया हमें। तो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले यार आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चलो वीडियो लाइक नहीं करते वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो यार आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, गुड बाय।